बहुत ढेर सारे कमियां हैं इसमें। देखा जाए तो अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो ये टीचर जो रेगुलर टीचर नहीं है इधर, ये अतिथि शिक्षकों के माध्यम से यहाँ इस स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिया जा रहा है। रेगुलर मास्टर तो हैं नहीं है, और साथ साथ में यहाँ देखा जाए तो किचन सेट भी नहीं है, बाउंड्री भी नहीं स्कूल का, और शौचालय का भी यहाँ अभाव, सभी प्रकार का यानी सभी प्रकार के कमियाँ हैं मैडम। जिसमें यहाँ बाउंड्री नहीं है इस स्कूल में, करीब रोड के किनारे से स्कूल है, गाड़ी घोड़े चलते रहते हैं, कभी बच्चे स्कूल से निकलते हैं और रोड में चले जाते हैं, एक्सीडेंट होने की संभावना लगता है। यहाँ एक ये कमी है कि अगर कोई बाउंड्री अगर हो जाता है स्कूल का ये परिषद के अंदर, तो बच्चे परिषद के अंदर खेलते कूदते और बाहर नहीं जाते। ग्राम पहरुआ प्राथमिक शाला का 15 जुलाई 2014 में समस्या वीडियो बनाई थी स्थायी टीचर के मांग को लेकर के। 1 अगस्त 2015 में यह बदलाव आया। आप ये बदलाव आने से सर जी आपको कैसा लग रहा है? ये बदलाव आने से हमें यही अच्छा लगता है कि स्कूल में एक मुखिया आ गया अब है, जो हम बच्चों की टीचिंग कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से कर सकते हैं, हम बच्चों की टीचिंग कार्य करवाते हैं कि मैडम आने से हमारा पूरा काम सॉल्व हो जाता है। डांग का काम है, रिकाय का काम है, पूरा मैडम जी करते हैं, बाकी काम हम टीचिंग का काम हम करते हैं, अतिथि शिक्षा। यह बदलाव में गांव के लोगों के और अतिथि के सहयोग से मैं ला पाई हूँ। मैं सूरजिया प्रस्ते ग्राम पहरुआ विकास खंड सहपुरा जिला डिंडौरी मध्य प्रदेश से इंडिया अनहर्ड के लिए।